सीतापुर से खबर है, जहां सीतापुर में मजरेटा थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर एक ही रात में अज्ञात चोरों ने दो घरों को निशाना बनाकर नगदी और जेवरात सहित लगभग 9 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर चंपत हो गए। थाना मजरेहटा से चंद कदमों की दूरी पर ब्लॉक के ठीक सामने स्थित सुशील शुक्ला ने मजरेहटा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि बीती रात अज्ञात चोरों ने मेरे घर को निशाना बनाया और 60,000 रुपए की नकदी और जेवरात चोरी कर फरार हो गए, जिसकी कीमत करीब 6 से 7 लाख रुपए बताई जाती है। आपको बता दें कि कस्बा निवासी अजय कुमार ने बताया कि बीती रात चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर एक सोने का हार और अन्य जेवरात जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है वो चोरी कर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी पीड़ितों को सुबह तब लगी जब अलमारी का ताला टूटा पड़ा था और घर का सामान अस्त व्यस्त पड़ा मिला। वहीं क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। रात को हम लोग छत पर लेटे हुए थे, सुबह जब हम आए 5 बजे तो हमारा ताला टूटा मिला, अलमारी वगैरह सब जो कुछ है हमको खुला मिला। वहाँ कितने बजे करीब? हम 5 बजे आए हैं। आप रहते नहीं है क्या यहाँ पर? छत के ऊपर थे। अच्छा, क्या क्या सामान में चोरी हुआ है? सामान में तो बहुत कुछ गया हमारा है, सोने का हार था, सोने की चूड़ी थी और वह झाला मांग बिंदी। लगभग कितने का नुकसान हुआ भैया? अब लगभग यही समझ लिए कि 3 के करीब, दो वही दो पौने दो तक। प्रार्थना पत्र दिया आपने? थाने में एप्लीकेशन दी? अभी नहीं दिया। अच्छा, अभी दिया नहीं। हाँ, किसी पर शक है आपको? शक किसी पे नहीं, ऐसे हम कैसे बता दे किसी पे शक। आपके ये पीछे का दरवाजा है और आगे के दोनों दरवाजे। खबर गाजीपुर से है, जहां से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही। गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से अफजाल अंसारी को बड़ा झटका मिला है। गैंगस्टर मामले में मुक्त करने का अफजाल अंसारी का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अब उन्हें कोर्ट में गैंगस्टर केस का सामना करना पड़ेगा। बता दें, वर्ष 2007 में अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2010 में पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अफजाल अंसारी ने चार्जशीट को चुनौती देते हुए मामले से मुक्त करने का कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था। वहीं वर्ष 2013 से अब तक कोर्ट में विचाराधीन रहा। इस मामले में बहस सुनते हुए कोर्ट ने अफजाल के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है और 20 अगस्त को सुनवाई की अगली तिथि नियत करते हुए आरोप पत्र पेश करने का आदेश दिया है। सन 2007 में मुख्तार अंसारी के साथ ही अफजाल अंसारी और उनके बहनोई एजाजुल हक तीनों लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर का मामला दर्ज हुआ था और जिसकी विवेचना करने के बाद सन 2010 में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया था। परंतु अफजाल अंसारी द्वारा उस आरोप पत्र को के अनुसार चार्ज बनने से अपने आप उसको चुनौती दिया था और एक एप्लीकेशन देते हुए कहा था कि मेरे ऊपर मुझको उन्मोचित कर दिया जाए, मेरे ऊपर ये आरोप नहीं बनता है। जो सन 2013 से लेकर के और 2022 तक विचाराधीन था, परंतु आज माननीय न्यायालय ने उस मामले को अति प्राचीन देखते हुए आज उस पर बहस सुन करके उस पर फैसला दिया और माननीय न्यायालय ने उनके प्रार्थना पत्र को जो उन्मोचन की दरखास्त थी उसको खारिज कर दिया और उन्हें आदेश कर दिया कि अगली तिथि 20 आठ को उपस्थित होकर न्यायालय में आरोप विकसित करा। रायबरेली शहर के प्रतिष्ठित स्कूल एसडीएस के प्रबंध तंत्र पर पत्नी को बहला फुसलाकर बंधक बनाने का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर शिकायत की है। मामला शहर के बीच में स्थित एसडीएस स्कूल का बताया जा रहा है, जहां अजय आनंदपाल ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें कहा गया है कि हम पति पत्नी के जीवन में सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन पत्नी एसडीएस स्कूल में नौकरी करते ही प्रबंध तंत्र हमको अपनी पत्नी से मिलने नहीं दे रहा। जब मैं मिलने जाता हूं तो गालियां देकर कर्मचारियों द्वारा भगा दिया जाता है। वहीं प्रार्थी के 2 नाबालिग बच्चों की भी शिक्षा दीक्षा प्रभावित हो रही है और उनका भविष्य अंधकार में जा रहा।
प्रार्थी अजय आनंदपाल ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी और बच्चों को स्कूल से मुक्त कराया जाए। सर मामला ये है कि मैं परिवार है मेरा, बीवी बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और यहाँ ये रमेश बहादुर सिंह एसजीएस प्रबंधक जो है मेरे बच्चों को पहले 3 साल से कैद किए हुए हैं, लेकिन पहले तो आने जाने देते थे घर। अभी 1 महीने पहले हम लोगों में हो गया थोड़ा कि हाँ ठीक रहेंगे, दो दो बच्चे हैं, अच्छे हंसी खुशी रह रहे थे सर। ये हमारे घर भी आने जाने लगी, इसने फिर बुला लिया, 5-6 बार भाग के आ चुकी है सर। और इसके वहाँ पे गलत काम होते हैं, उसने मेरी बीवी ने खुद बताया कि वहाँ नौकरी करना है तो वहाँ पे ये सब काम गंदे काम करने पड़ेंगे। हम उसको 20 बार मना करते हैं, किसी का कहना नहीं मानती, न पुलिस सुन रही, न प्रशासन सुन रहा है, हम ही को टच किया जा रहा है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, तो हमारे ही गायक चला देते हैं। अरे हम साहब से निवेदन है कि मेरे बच्चों को दिलवा दिया जाए, मेरे बच्चे हैं वैसे भी 1-2 साल बाद हमारे।